हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एएससी स्टार्टर में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे जो है क्लास 9 से 12 तक के जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ में। और आपको जैसे कि पता ही है सीबीएसई ने भी जो है सैम्पल पेपर इशू करे थे, ठीक है, वो सीबीएसई की साइट से इशू करे थे। और ये जो इशू हो रहे हैं ये डीओई की साइट से इशू हो रहे हैं, और दोनों में जो है दोनों में डिफरेंट रहेंगे क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है, जिससे कि आप जो है अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, बट आप ये जान लीजिए। देखिए इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, पंजाबी, संस्कृत, और आप यहाँ पे देख रहे हैं सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे। वैसे एक क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस पेपर वन है ये, इसके साथ के सॉल्यूशन है। और इंग्लिश का जो अभी नहीं प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे अपडेट होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, नहीं तो आप साइट पे देख सकते हैं। बाकी ऑल सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू भी है। और ऐसे नीचे 11th का दिया गया है और नीचे जो है 12th का दिए गए हैं, इसमें सारे ऑलमोस्ट सारे सॉल्यूशन हैं, ठीक है। बस क्लास 10th के जो इंग्लिश का है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो जैसे अपडेट होगा वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और जैसे आप इस पर प्रैक्टिस पेपर पर क्लिक करेंगे इंग्लिश वाले पे, तो जो सीबीएसई ने प्रोवाइड करा है जो डीओई ने प्रोवाइड किया, दोनों अलग रहने वाले हैं। देखिए ये इंग्लिश का है, क्लास 10 का प्रैक्टिस पेपर है, ये कोड आप देख ले यहाँ पे ये, ठीक है, और 40 मार्क्स का रहने वाला है ये। तो ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है आप देखेंगे तो पूरा डिफरेंट है जो सीबीएसई ने प्रोवाइड करा है, जिससे कि आप जो है दोनों प्रैक्टिस पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मुझे कितना आता है। और अब मैं आपको जो है बता देता हूँ कि आपको इस साइट पर आना कैसे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। देखिए आपको गूगल क्रोम खोलना है, फिर लिखना है DOE, ठीक है। DOE लिखने के बाद फर्स्ट जो लिंक आएगा आप देखेंगे ऑफिशियल है ये, ठीक है, रेड कलर का जिसमें सिंबल भी दिया हुआ है DOE। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है, फिर नीचे आना है, फिर आप देखेंगे अकेडमी सेशन लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको नीचे आना है थोड़ा सा, अब जो है आपको एग्जामिनेशन मटेरियल लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे तो हम जो है वहीं पर आ गए जहाँ पे स्टार्ट करी थी वीडियो। यहाँ लिखा है टर्म सेकंड और टर्म वन। अब हम टर्म वन के तो हमारे एग्ज़ाम हो गए हैं, अब टर्म टू के जो है होने वाले हैं, तो 21-22 सेशन है। और ये इस पर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो 9 से 12 तक के क्लासेस हैं सारे सैम्पल पेपर जो है आप देख रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर ये अभी वन है, टू भी आ जाएंगे, जैसे आएंगे वो भी आपको अपडेट कर दूँगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप जो है ऐसे इसके जो लिंक है डायरेक्ट लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो सीधा इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप जो है अपने क्लास 10th के हैं तो आराम से अपनी क्लास 10th के जो जितने भी आपके सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे सॉल्यूशन भी डाउनलोड हो जाएंगे पीडीएफ में, ठीक है। ये देखिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछना। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।